नमस्कार। लखनऊ में ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले मंगलवारों का अपने आप में एक बड़ा महत्व है। इसको बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। आज हमें लखनऊ के प्राचीन अलीगंज मंदिर में यहाँ पर चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से बजरंगबली के बड़े मंगल के पर्व की तैयारियाँ हो रही हैं। इस मंदिर की हम आपको भव्यता दिखाते हैं। लखनऊ के प्राचीन अलीगंज मंदिर में आप देख रहे होंगे कि नवाबों के द्वारा दिया गया चांद आज भी इस मंदिर में मौजूद है। ये अपने आप में एक गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक है। इस तरीके का मंदिर आपने बहुत ही कम देखे होंगे और शायद देखे भी नहीं होंगे। ज्येष्ठ माह में हनुमान जी की पूजा बहुत ही फलदायी मानी जाती है। हमारे साथ में हैं अलीगंज प्राचीन मंदिर के महंत जी। महंत जी, आपका नाम? महंत गोपाल दास। महंत गोपाल दास जी, ये सबसे प्राचीन हनुमान जी हैं। ये जब सीता जी का वनवास हुआ था उस समय माता जी यहाँ रुके थे, हनुमान जी पहरे में थे। ये लखनऊ लक्ष्मणपुरी के नाम से थी कि टीले वाली जो मस्जिद है वो लक्ष्मण जी का महल था, वहाँ चले गए महल, यहाँ हनुमान जी पहरे में तब का मंदिर है। और उसके बाद यहाँ के नवाब हुए, नवाब के संतान नहीं थी, संतान की प्राप्ति हुई, उन्होंने जीर्णोद्धार कराया, ऊपर चांद लगा हुआ है नवाबों का चढ़ाया हुआ। वो नया मंदिर जो है वो भी यही मूर्ति थी, वो इमाम बाड़े के पास ले जा रहे थे कि वहाँ बाबा का मंदिर बनाएंगे, पूजा करेंगे, तो वहाँ हाथी बैठ गया तो गोमती उस पार हनुमान जी जाना नहीं चाहे थे तो उनको यहाँ बनाना पड़ा। तब से वो नए हनुमान जी पुराने हनुमान जी। और ये ज्येष्ठ का मेला जो है कि फ्लेग महामारी बीमारी फैली थी नवाबों के समय में, उससे छुटकारा पाने के लिए बोले कि बाबा इससे छुटकारा मिलेगा तो मंदिरों को चना चपाएंगे, भंडारा करेंगे, प्याऊ लगाएंगे। तब से ये ज्येष्ठ का बड़ा मंगल अलीगंज में ही होता था। ज्येष्ठ के बड़े मंगल में अलीगंज में प्रमुख रूप से ये चार मंगल पड़ रहे हैं आपकी बात जी। इन चार मंगलों में बजरंग बली के लिए क्या विशेष पूजा अर्चना की जाएगी? विशेष भगवान का जो है सिंदूर का लेप है, श्रृंगार है, फूलों का है, भोग है, आरती है, और भक्तों की तरफ से जो भी अपना उनको मनोकामना होती है तो अपना भोग लगवाते हैं। बाहर भी देखा अभी हमने कि मेले का भी आयोजन एक छोटा मोटा किया जा रहा है, बाहर बहुत से झूले और बच्चों के लिए बहुत सी चीज़ें लगाई गई हैं। तो ये ज्येष्ठ माह के मंगलवार में ही होता है ये ज्येष्ठ मेला में। अब ये हमें नहीं पता, MLA कह रहे हैं कि वो हमेशा लगता है। यहाँ अलीगंज में बजरंग बली जी हैं, जो भी भक्त आते हैं कैसे उनकी मुरादें पूरी होती हैं, इस पर कुछ बताना चाहेंगे? तो मानते हैं लोग, जब उनकी पूर्ण होती है तो साल में, पहले तो दंडवती परिक्रमा लेट के आके लोग करते थे, अब तो उसका देखने को नहीं मिलता, नहीं पुराने समय में लेट लेट के दंडवत करते थे। अब जिसके जितने श्रद्धा होती है उस हिसाब से आते हैं, दर्शन करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ा मंगल गंगा जमनी तहजीब का एक प्रतीक है। लखनऊ में बड़ा मंगल बहुत बड़े पर्व के रूप में मनाया जाता है। जगह जगह भंडारे लगते हैं, जगह जगह प्याऊ लगते हैं, पौशाला लगते हैं।